माइनॉरिटी इंडेक्स मेड इन इंडिया इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स में सेक्युलरिज्म में इंडिया पहले नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर रखा गया है यूएस को, 90th नंबर यानी कि 90 नंबर पर रखा गया चाइना को, 104th 104 नंबर पर रखा गया है पाकिस्तान को। एक बात माने, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया, लोग एक वक्त के खाने से महरूम हो गए, लोग तालीम से महरूम हो गए। शटअप कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को, और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए, हम बराबर का जवाब देने वाले हैं आपको यानी कि अमेरिका को। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखे तो हम भी कन्वर्टेड हैं। बात ये है कि आपकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट शटडाउन में। हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए। तो वो सवाल करते हैं हमसे, वो कहां गए हिंदू? तो पॉलिटिकल एनार्की जिस अरूज पे है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि कौन सी कंट्री के अंदर रिलीजियंस को ज्यादा आजादी हासिल है, वहां पर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, ये बात आपको भी पता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी वहां पर हमें मुसलमान मिलते हैं, उनका उनके प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पीएम जिसको कहते हैं, वो तक सिख वहां पर बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वो मालूम हो कि अमेरिका हमेशा से ही सेक्युलरिज्म का पाठ हिंदुस्तान को पढ़ाते आया है, चाहे क्यों ना वहाँ पे सेक्युलरिज्म की हालत हिंदुस्तान से बद से बदतर हो। ऐसा ही कुछ रिपोर्ट यूएस में निकला था, जहाँ बताया गया था कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको सही से हक नहीं मिल रहा है। इसी के जवाब में हिंदुस्तान ने भी एक लिस्ट दायर कर दी है, और उसमें हिंदुस्तान को नंबर वन पर रखा गया है, जहाँ पे सारे धर्म एक बराबर मौका दिया जाता है। वहीं पे यूएस को चौथे स्थान पर रखा गया है, तो चाइना को 90वें स्थान पर रखा गया है, और तो और पाकिस्तान को 104वां स्थान दिया गया है इस लिस्ट में। ये एक करारा थप्पड़ है यूएस को भारत की तरफ से। जिस तरह से यूएस अपने आप को सुपर पावर समझता है और सेक्युलरिज्म का चैंपियन समझता है, इसी पे ये जवाब है भारत का यूएस को। भारत हमेशा से ही सेक्युलर मुल्क रहा है, जहां पे सारे धर्म पंथ सबको एक समान मौका दिया जाता है और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। ये यहां का 10,000 साल पुराना इतिहास है। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो सनातन धर्म को ये समझा सके कि सेक्युलरिज्म और सभी धर्म कैसे एक साथ मिलजुल कर रहते। यूएस की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई थी, बेसिकली उसमें इंडिया का जिक्र था, और ये कहा गया था कि अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए, माइनॉरिटीज की बात की जाए, तो इंडिया में माइनॉरिटीज को राइट नहीं दिए जा रहे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में नहीं है। जिसके मुकाबले में इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स मेड इन इंडिया इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स में सेक्युलरिज्म में इंडिया पहले नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर रखा गया है यूएस को, 90th नंबर यानी कि 90 नंबर पर रखा गया चाइना को, 104th 104 नंबर पर रखा गया है पाकिस्तान को। शटअप कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को, और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए, हम बराबर का जवाब देने वाले हैं आपको यानी कि अमेरिका को। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि यूएस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स में इंडिया को डिग्रेड किया था, कहा था कि इनमें रिलीजियस राइट्स नहीं है इंडिया में। उसके बाद इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने यूएस को रखा है चौथे नंबर पर, अपने आप को रखा है पहले नंबर पर, और पाकिस्तान को रखा है 104वें नंबर पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कराची में इतने इंडियन बैठे हैं, आज तक आपने देखा हो कोई इंतखाब नहीं, हिंदू हिंदू हाँ जी हिंदू बैठे हुए हैं, आज तक आपने देखा हो कि कभी किसी ने, किसी मुसलमान ने कभी किसी इंडियन में इंडियन को कोई किसी किस्म का कोई हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सर कुछ केसेस तो यहाँ पर भी सामने आए। नहीं नहीं, कौन से केसेस हैं मुझे? यहाँ पर आपको पता है अंदरून शहर, जो अंदरून शहर कहलाया जाता है, वहाँ पर भी मंदिर तोड़े गए हैं, सिंध वाली साइड पर भी तोड़े गए हैं यहाँ पर भी मंदिर। और आपने बोला है कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो सेफ नहीं है। सर एक्सट्रीमिज्म के केसेस हमें ना हर जगह नज़र आते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, ये बात आपको भी पता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी वहाँ पर हमें मुसलमान मिलते हैं, उनका उनके प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पीएम जिसको कहते हैं, वो तक सिख वहाँ पर बन चुके हैं। सर आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी, आप मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट करता है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ये मानते हैं आप? हाँ ये तो बात है कि बात है ना? जी जी बिल्कुल, इतनी सी बात होती है और हमें कितनी शौक कराई जाती है। ऐसा ही है, हमारा मीडिया इसी तरह ही है, हर हमारा मीडिया लगा ले जहाँ पे भी जो मीडिया है, बात को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने पेश करना होता है, ताकि वो
न्यूज बिके, न्यूज बिके, ये आप मानते हैं? जी जी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, वहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, ठीक है। अब वहाँ पर ना मोदी जी की एक बहन बनी हुई है, बचपन से ही उनके साथ पली बड़ी है, खेली है, मुसलमान है वो, राखी बांधती है उनको, उनका इंटरव्यू भी किया गया है और बड़ा ही उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात है। फिर गुजरात, गुजरात जो जिसको जहाँ कहा जाता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, गुजरात के मुसलमानों के साथ उनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि आपस में गले मिल रहे होते हैं वो। आपको पता है वहाँ पर एक मंदिर की ओपनिंग हुई है जहाँ पर मुसलमान भी हिंदुओं के साथ उस मंदिर की ओपनिंग की है, क्या हमें ये चीज़ दिखाई जाती है? नहीं, हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए, तो वो सवाल करते हैं हमसे वो कहाँ गए हिंदू। असल में जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिजरत करके चले गए, उनमें से जो बाकी लोग बचे वो बहुत ही कम तादाद थी। अगर हम टोटल अपनी आबादी का देखें तो हम 98% मुस्लिम है, 2% जो है वो हमारी अदर पॉपुलेशन है। वही तो बात कर रहा हूँ आपको, पार्टीशन के बाद की बात है, जब पार्टीशन हुए तो एक एक रैंक जारी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सबस रंग था वो तकरीबन ज्यादा, और जो के सफ़ेद रंग था उसके मुताबिक हमें माइनॉरिटीज़ में हमें बताया जाता था 25% माइनॉरिटीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू कहाँ गए, 25 जो कि 15% 20% हिंदू थे वो कहाँ गए, सवाल करते हैं हम इसका क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में ये एक स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन हमारी 20 करोड़ 22 करोड़ चलेगी 8-10 करोड़ से, तो जब वो 22 करोड़ पे गई तो उसकी परसेंटेज डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनकी परसेंटेज थी वो 2% थी। अगर अभी वो उसी पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़े और ये हम पॉपुलेशन के हिसाब से 22 करोड़ हुए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से 2% जो है वो जो उनकी आप बता रहे हैं जिस हवाले से, वो मेरा ख्याल है शायद एक यही वजह है कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट के हवाले से अगर आप इसको चेक करें तो ये जो है वो पॉपुलेशन उतनी ही होगी जिस ग्रोथ से हम बढ़े, हमारी ग्रोथ की परसेंटेज उससे ज़्यादा बढ़ी क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है हजम है वो ज़्यादा है। सर, यहाँ पर कोशिश किया जाता कि आप और मैं भी और बहुत सारे हिंदू के इंटरव्यू किया मैंने भी, वो कहते हैं कि भाई कि यहाँ पर जब मुस्लिम से मिलते हैं तो वो जब हमारा नाम सुनते साथ ही वो अलग से रिएक्ट करते हैं, वो हमें कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करवा लें ताकि हमारी रिलीजन्स में आए, और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना, हम कन्वर्टेड हैं, तो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम के कन्वर्ट करवाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे नहीं ख्याल कि इस्लाम जो है वो आपके अब से या इससे पहले भी कभी इस लिहाज से इस्लाम फैला है। तो देखें कि अगर इंडिया को ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने पहले नंबर पर रखा, कहा है कि माइनॉरिटीज जहाँ पर जितनी इंडिया में आज़ादी है कहीं किसी भी कंट्री में आज़ादी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको सबसे पहले तो डिनाई करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1.35 अरब की आबादी है, वहाँ पर मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम के साथ पाकिस्तान जो कि मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, समझ रहे? अगर इतने ज़्यादा 1 अरब हिंदुओं के साथ रह के 35 करोड़, तो छोटी सी बात है, एक थॉट अलग, एक रिलीजन पॉइंट ऑफ अलग, एक खुदा को मानने वाले अलग, सोचे रखने वाले, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने की तो आम सी बात है या नहीं, आप बताएं ईमानदारी से बताएं। जी दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट में लिख कर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।